अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सहाज व्लॉग। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वेट लॉस ड्रिंक। तो ये वेट लॉस ड्रिंक जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, आप ये समझ लें कि बिल्कुल मैजिक ड्रिंक है। इससे आपका वज़न एक हफ्ते के अंदर एक इंच तो कम ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून कलौंजी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ठीक है। इसको हमें क्रश करना है, जो मैं फ्रेशली क्रश करके आपको दिखाऊंगी। इसको पुराना यूज़ नहीं करना है, वरना इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। और हमें चाहिए 1 लीटर पानी। तो चलें फिर इस ड्रिंक को तैयार करते हैं। सबसे पहले हम एक पॉट ले लेंगे जिसमें हमें ये ड्रिंक तैयार करनी है, और इसके अंदर डालेंगे 1 लीटर पानी। देखें, ये 1.5 लीटर की बोतल है, इसमें लेकिन 1 लीटर पानी है, ठीक है। तो ये मैं इसमें बॉईल करने के लिए डाल दूंगी। इस पानी को पहले अच्छे से बॉईल करना है, उसके बाद हम एक एक करके सारी चीज़ें डालेंगे। लेकिन किस तरह डालनी है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप ज़रूर नोट करिएगा। तो ये पानी जब तक बॉईल हो जाता है, मैंने चूल्हा जला दिया है, जैसे ही पानी बॉईल होता है तो हम सब चीज़ें डालेंगे। तब तक जो है हम इस अपनी अदरक को क्रश कर लेते हैं। तो हम अपनी अदरक को क्रश करेंगे। अच्छा, पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मैंने इसको पील नहीं किया है, क्योंकि इसकी स्किन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसको हम पील नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहीं से आपको लग रहा है कि कुछ ख़राब हो रही है, ये स्किन इसकी सही नहीं है, तो उसको आप वहाँ से कट कर लीजिए, लेकिन पूरा उसको पील नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साइज़ पर डिपेंड करता है कि ये 1 चम्मच होना चाहिए। बस आप 1 इंच ही अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इस तरह से क्रश करना है कि वो बाद में 1 टेबल स्पून भर के आ जाए। तो चारों चीज़ों की क्वांटिटी जो है 1 टेबल स्पून होनी चाहिए। तो ये देखें, मैंने ये नॉर्मल सा क्रशर ले लिया है, हैंड क्रशर। तो इस अदरक को मैं इसमें आराम से क्रश कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, 1 टेबल स्पून अदरक जो है वो क्रश होके निकल आया है। ये पूरा 1 टेबल स्पून है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। भर के लेना है, ठीक है। ये देखें, ये पूरा 1 टेबल स्पून है अदरक, ठीक है। तो कितना भी साइज में हो, अगर पतला होगा तो आपको 2 इंच लेना पड़ेगा, लेकिन ये जो है मेरा 1 इंच 1 टेबल स्पून करके निकल आया है। इसी तरह 1 टेबल स्पून ये सारी चीज़ें। तो हमारा पानी जो है बॉयल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ये ज़ीरा डालना है। ये ज़ीरे को इन्फ्यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इनकी क्वालिटीज़ मैं आपको बताऊंगी, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसकी क्वालिटीज़ सारी जो है आपकी वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो ये सबसे पहले ये 1 टेबल स्पून मैं ज़ीरा इसमें डाल दूंगी, ठीक है। इसको 1 टाइम इसको ऐसे नॉर्मली सा मिक्स करके चूल्हे को ऑफ कर देंगे हम बिल्कुल स्लो। और अब इसको ढककर हमें इसको अच्छे से इन्फ्यूज़ करना है। इस ज़ीरे को हमें बॉयल करना है 5 मिनट तक। पूरे 5 मिनट तक आप घड़ी अपने पास रखिएगा और इसमें देखते रहिएगा। जैसे ही 5 मिनट हो जाते हैं तो उसके बाद हम बाकी अपनी तीनों चीज़ें डाल देंगे। वो तीनों चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो हैं ये तीनों चीज़ें, कलौंजी, सौंफ और अदरक, ठीक है। तो 5 मिनट के बाद हम ये तीनों चीज़ें डालेंगे और इसको फिर 5 मिनट तक अगेन पकाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। आप ये देखें, ये हमारा पानी कितना ज़बरदस्त सा कलर निकल आया है इसका। ज़ीरे ने अपना पूरा पानी छोड़ दिया है। बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इस पॉइंट पे आके हम डालेंगे अपना ये 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कलौंजी और ये जो हमने अभी अदरक क्रश की है ये डाल देंगे हम अपनी पूरी, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को जो हमने डाला है, अब इसको ज़ीरे के पानी के अंदर हमें पूरे 5 मिनट तक दोबारा पकाना है, ठीक है। ये देखें, इसको आप पहले नॉर्मली सा मिक्स कर दें। ये बॉयल होता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। और ये तीनों चीज़ें जो हैं अदरक के साथ, वो अदरक, ज़ीरा, सौंफ और कलौंजी, ये चारों चीज़ें जो है अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएंगी। लेकिन इसको पकाना ढककर ही है, वरना इसका जो सारा अरोमा है और जो इसका
फ़ायदे हैं वो इस स्टीम के साथ बाहर निकल आएंगे, तो वो फिर आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो इसको हमें ढककर ही पकाना है, ढककर इसको पूरे 5 मिनट तक हम फिर से पकाएंगे। ओके, तो 5 मिनट और हो चुके हैं, मीन्स हमें इसको पकाते हुए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। पहले हमने 5 मिनट जो है जीरे को पकाया और उसके बाद हमने बाकी तीनों चीज़ों को डाल के पकाया, तो हो गए पूरे 10 मिनट। तो अब हम यहाँ पर चूल्हा बंद कर देंगे, लेकिन इसको हमें अभी ढककर ही रखना है। अब 5 मिनट हम इसको ढककर रखेंगे ताकि जितनी भी स्टीम है इसके अंदर वो पानी के अंदर पूरी एब्जॉर्ब हो जाए और उसका पूरा से जितने भी इसके मीन्स जितने भी इसके जो है फ़ायदे हैं, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो सारी पानी के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएँ अच्छे से। ठीक है, तो ये कुल टोटल 15 मिनट में ये पानी तैयार हो जाता है। ये वेट लॉस ड्रिंक कुल 15 मिनट में तैयार होता है। 5 मिनट हमने जो है पहले ज़ीरे को पकाया है उबलते हुए पानी में, फिर उसी पानी के अंदर 5 मिनट के बाद जो है हमने डाल दिया है सौंफ 1 चम्मच, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच कलौंजी। तो ये 4 चीज़ें इस पानी के अंदर 10 मिनट तक पकी हैं और फिर हमने इस चूल्हा बंद कर दिया है। इसको ढककर जो है हम 5 मिनट तक और इसको इन्फ्यूज़ होने देंगे, लेकिन चूल्हा बंद है। ये देखें, मैंने इसीलिए यहाँ पे स्लिप पे रख दिया है इसको, ताकि आपको पता चल सके कि अब चूल्हा बंद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पानी हमारा 15 मिनट में तैयार। बस जब 5 मिनट हो जाएंगे इसके, तो अब हमें इसको फिर अच्छे से छान लेना है। तो ये 5 मिनट हो जाए तो मैं फिर इसको छान के दिखाऊं। 5 मिनट हो चुके हैं और मतलब पूरे 15 मिनट इस पानी के लिए हो गए हैं हमारे वेट लॉस ड्रिंक के लिए। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। अभी भी थोड़ी स्टीम है, लेकिन ये अच्छी तरह से चारों चीज़ें बिल्कुल इन्फ्यूज़ हो चुकी हैं पानी के अंदर। तो ये हमारे वेट लॉस ड्रिंक को जो है अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, इसको अच्छे से छान लेंगे। ये देखें, कोई भी आप छन्नी लें और इस तरह से पानी जो है इसको पूरा छान लें। तो अब ये जितने भी हमने मसाले डाले थे, ये देखें चारों, ये अब किसी काम के नहीं रहे, इसको आप अलग कर दें। अब सब कुछ जो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वो इस पानी के अंदर आ चुकी हैं। तो ये हमारा वेट लॉस ड्रिंक अच्छे से निकल के सामने आ चुका है, तैयार हो चुका है, बिल्कुल पीने के लिए रेडी है। अब आपको करना ये है कि ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जितना कि आप पी सकें, तो अब पीना कैसे है वो मैं आपको बता दूं। इसको पीना है, ये हमारा 3 दिन के लिए रेडी हो चुका है। ये 1 लीटर पानी जो पक के पूरा तैयार हो चुका है, ये 3 दिन के लिए हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको पीना 2 टाइम है, सुबह और रात को। किस तरह से पीना है कि 50-50 ml, ठीक है, 50 ml सुबह पीना है नाश्ते से पहले। जब आप उठते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो आप ब्रश वगैरह कर लें, लेकिन नाश्ते से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आपको ये ड्रिंक लेना है 50 ml। और इसी तरह से 50 ml जो है आपको बिफोर स्लीप लेना है, सोने से पहले आप लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया आप उसी वक्त सोने जा रहे हैं तो आप जल्दी से पी लें, नहीं। इसको आप कम से कम खाने के 2 घंटे के बाद पियेंगे, और सोने से पहले भले आप 5 मिनट पहले पी लें, लेकिन आपको ये 50 ml पीना है। तो ये किस तरह से, ये मैंने एक मग ले लिया है अपना, ठीक है, इसमें मेरा हिसाब है कि इतना जो है 50 ml आता है। तो ये जो है मैं 50 ml अपना निकाल लूँगी इसमें से। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने अपना जो है नाप के रखा हुआ है कि इतना जो है, ये बड़ा मग है, छोटा नहीं है, तो इसमें इतना जो है इसके मैंने ये हिसाब रखा हुआ है, यहाँ तक जो है ये 50 ml आता है। तो अब जितना कि मैं पी सकती हूँ, जितना गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं पीना है, नॉर्मली गुनगुना जैसे बोलते हैं और नीम गर्म बोलते हैं, तो इस तरह से पी लेना है। और ऐसे ही रात को जो है आप इसको फ्रिज में रख दें बोतल में भर के, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ये मैंने बॉटल रखी हुई है अपनी, इसके अंदर मैं इसको भर के फ्रिज के अंदर रख दूंगी। जब भी आपको पीना हो आप इसमें 50 ml निकालें, और जो है माइक्रोवेव अगर आपके पास है तो इसको 10 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव कर लें, तो ये नीम गर्म हो जाएगा और फिर इसको पी लेना है। और अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप हल्का सा इसको चूल्हे पे गुनगुना करके फिर पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेट लॉस के लिए ये पानी, ये ड्रिंक, कलौंजी, ज़ीरा, सौंफ और अदरक, इन 4 चीज़ों का मिक्सचर है ये पानी। ये वेट लॉस ड्रिंक आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा, आप इसको एक दफ़ा यूज़ करके देखें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पानी उसी वक्त कारामद होगा आपके लिए
कि जब आप थोड़ा सा अपने खाने में रद्दोबदल लाएं, ऐसा ना हो कि रोज़ाना आप बर्गर खा रहे हैं और नूडल्स खा रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, रोज़ाना बिरयानी खाई जा रही है और आप बस ये पानी पी रहे हैं और सोचें कि वेट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको अपने हाथ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है आप अपने खाने को जो है हेल्दी फूड की तरफ लेकर आइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भूखा रहना है और ये पानी पीते जाना है और आपका वेट लॉस कम हो जाएगा, नहीं, आप पेट भर कर खाएं, लेकिन अपने खाने में से जंक फूड को हटा दीजिए और कोशिश करिए कि रोटी चावल ये दो चीज़ें अगर हो सकती हैं तो हफ्ते में एक दफ़ा खाएं या दो दफ़ा खाएं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और अगर चावल खाने हैं तो सिर्फ और सिर्फ बॉयल चावल खाइए, तो आप देखिएगा एक हफ्ते के अंदर कैसे एक इंच आपका वज़न कम होता है। ख़ास तौर पे जो पेट है आपका, ये समझ लें ये टम्मी टक जो है ये ड्रिंक है वेट लॉस, आपके पेट को अंदर करती है। अगर आप एक महीने इसका इस्तेमाल कर लें तो आपको फ़र्क जो है साफ जाहिर हो जाएगा, आप मान जाएंगे कि वाकई में ये ड्रिंक जो है बहुत कारामद है। तो प्लीज़ इस ड्रिंक को लेके देखें, ये है, ये अब बस ये इतनी गर्म है कि मैं इसको पी सकती हूँ। तो अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको बॉटल में जो है शिफ्ट कर दूंगी और इसको फ्रिज में रख दूंगी, तो ये पानी जो है मेरा 3 दिन तक आराम से चलेगा। तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर आपको फ़ायदा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर इस बारे में कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं और भी बहुत से ड्रिंक और रेसिपीज़ लाती रहूँगी वेट लॉस के लिए। तो इजाज़त दीजिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।